नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइनर कैंडल बिजनेस क्लब। मैं दिलप्रीत आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का वीडियो जो है शॉर्ट है, क्रिस्प है, बट आई एम श्योर यूजफुल ज़रूर है आप लोगों के लिए, बिकॉज काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कैंडल मेकिंग में इस्तेमाल होता है, और अक्सर लोग बोलते हैं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं इसको लेकर। सो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो है थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर जो कैंडल मेकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यस, देर आर एम्पल ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्कैनिंग वाले आपको थर्मामीटर्स मिलते हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, पेन थर्मामीटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और जिसकी रेंज भी जो है वो अलग अलग है। बट मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही एक सिंपल बट एक्सट्रीमली यूजफुल और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। क्यों है, क्या फीचर्स हैं, हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस थर्मामीटर की बात कर रही हूँ, एंड दिस इज द थर्मामीटर आई एम टॉकिंग अबाउट। इसको हम पेन थर्मामीटर कहते हैं क्योंकि इसकी शेप कुछ पेन की तरह है। ये एक डिजिटल थर्मामीटर है। जब हम डिजिटल थर्मामीटर की बात करते हैं तो उसका मतलब कि यहाँ पर आपको डिजिट्स में जो भी टेम्परेचर है वो दिखाई देता है। सो थर्मामीटर को लेकर कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं क्लास में। अभी हज़ारों से ज़्यादा स्टूडेंट्स से हम मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, मगर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर क्लास में आता है, और वो ये क्वेश्चन है, कैन आई यूज़ अ रेगुलर थर्मामीटर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। सो एक बहुत ही सिंपल सी बात कहूँगी, कैन एंड मे आई आर टू डिफरेंट वर्ड्स जिनके मतलब बहुत ही अलग हैं। कैन, अगर मुझसे कभी भी कोई पूछता है कैन आई, तो अक्सर मेरा जवाब होता है आप अपनी कैपेसिटी में, आप अपने घर में, अपने ऑफिस में जो भी करेंगे, आई कैन नॉट कंट्रोल दैट, राइट? सो कैन, ऑफ कोर्स यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू आर फ्री टू डू दैट, बट जोक्स अपार्ट, मे आई, No, you should not use that thermometer. पहली बात, आपको उसको use करने से पहले अक्सर उसका जो mercury है वो नीचे लाना पड़ता है छांट कर। दूसरा, उसकी जो length है वो बहुत छोटी होती है, इतनी कि आप easily उसको मुंह में रख सके। अब आप imagine कीजिए कि आपके पास एक vessel है, example इस तरीके का एक बड़ा vessel है जिसके अंदर खूब सारी wax जो है वो खौल रही है, नीचे double boiler चल रहा है और एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर है, स्टीम निकल रही है, और वो इतना छोटू सा थर्मामीटर अगर आप इसके अंदर डाल देंगे, कैन यू हैंडल इट? नो, राइट? सो दूसरी बात, आपको जब भी उसमें टेम्परेचर देखना है आपको क्या करना है, आपको उसको निकालना पड़ेगा और आपको उसको चेक करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर पूरी वैक्स जम जाएगी, पहली बात तो हाथ जलने का डर है, दूसरी बात अगर उसके ऊपर पूरी वैक्स जमी हुई है तो आप कैसे देखेंगे मर्करी कितने टेम्परेचर पर है, राइट? सो जो हम रूम घर पे बॉडी टेम्परेचर्स के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं, वी विल नॉट यूज दैट। फर्स्ट क्वेरी आंसर्ड, आई होप इट्स क्लियर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन पीपल आस्क इज कि क्या वो हम स्कैनिंग वाले थर्मामीटर्स यूज कर सकते हैं? या हियर्स द इमेज, दैट इज हाउ इट लुक्स। यस, यस, यू कैन यूज दैट, हाउ एवर आई वुड स्टिल नॉट सजेस्ट यू। रीजन नंबर वन, ये स्कैनिंग वाले जो थर्मामीटर्स हैं इनकी कॉस्ट जो है वो महंगी है, एक्सपेंसिव है। रीजन नंबर टू, जब भी आपको टेम्परेचर चेक करना होगा, सो स्कैनर्स के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, एग्जाम्पल आपने 3-4 वेसल्स रखी हैं, और फॉर दैट मैटर एक ही वेसल रखा है गर्म होने के लिए। अब जब भी आपको स्कैनर यूज करना है तो आप स्कैनर को उठाएंगे और हर बार उसको ऊपर लाएंगे, स्कैन करेंगे और देखेंगे क्या टेम्परेचर है, फिर देखेंगे, फिर ये एक्टिविटी आपको लगातार बार बार करनी है। अब एग्जाम्पल आपका वैक्स जो है वो कहीं 100 डिग्री टेम्परेचर पर है और आपको उसको कूल डाउन करना है इसे 70-75 डिग्रीज पे,
तो आपको हर 2 मिनट के बाद ये काम करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. यू नो व्हेन यू आर अ रेगुलर कैंडल मेकर, नोबडी वांट्स टू गो थ्रू दैट हैसल. तो ये कुछ रीजंस हैं मेरे दैट आई डोंट वांट यू टू बाय दोज थर्मामीटर्स. नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट चॉइस? दिस इज माई रिकमेंडेशन, द पेन थर्मामीटर. अब इस पेन थर्मामीटर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और इसके वजह समझेंगे कि वाई एम आई सेइंग दैट. हालांकि ये सबसे सस्ता प्रोडक्ट है और लिटरली अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये मेरा कुछ खास कमीशन बना रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है. सो रीजन नंबर वन, ये एक डिजिटल थर्मामीटर है. सो जैसे ही मैं इसको ऑन करती हूँ, आप अगर इसको देखेंगे तो इसके अंदर डिजिट्स में आपको टेम्परेचर दिखाई देगा. मीन्स 30, 40, 50, 60, वॉट एवर टेम्परेचर इज, यहाँ नंबर्स आ जाएंगे. सो सबसे ईजी चीज़ है, दूर भी आप काम कर रहे हैं कहीं पे, अगर ये चल रहा है तो आप इसके बड़े बड़े नंबर्स को आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि अभी क्या टेम्परेचर हो रहा है. रीजन नंबर टू, जो एक्चुअली में मेरा फेवरेट है और जिसकी वजह से मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ, इसका नेक, इसका जो नेक है वो बहुत ही लंबा है. ठीक है, इसमें आपको दो साइज मिलते हैं, इससे भी लंबा साइज आता है, मगर कॉमनली यही साइज होता है. तो ये साइज जो है, आप इस थर्मामीटर का क्या बेनिफिट है, जब आपकी वैक्स मेल्ट हो रही है या हो चुकी है, एक्सट्रीमली हॉट वैक्स है, गर्म पानी है, गैस के ऊपर है, इंडक्शन के ऊपर है, बॉयलर के ऊपर है, आप इसको इस तरीके से रख कर छोड़ सकते हैं. सो आपके वेसल के अंदर थर्मामीटर पड़ा है और अब आप ये लगातार बॉयल हो रहा है, आपको इसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टेम्परेचर अपने आप ऊपर नीचे करेगा और आप बिना इसको छुए, बिना हाथ को जलाए, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना टेम्परेचर है, मेरी वैक्स कूल हो गई है, मेरी वैक्स कितनी हॉट है. ठीक है, सो दिस इज अ ग्रेट 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 थिंग. एंड इन सब चीजों के बाद द बेस्ट पार्ट इज, इट कॉस्ट नथिंग, इट कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग. तो जितनी भी वैरायटी ऑफ थर्मामीटर्स अवेलेबल है उनमें से ये सबसे सस्ता है. सो तकरीबन आपको 200 से 250 रुपए के बीच में ये थर्मामीटर मिल जाएगा. किसी होलसेलर से अगर आप लेंगे या कोई जान पहचान निकल जाती है, कोई डिस्काउंट दे देता है, तो अक्सर आपको ये 150 रुपये तक का भी मिल सकता है. बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो ये 200 टू 250 के बीच में इसकी रेंज जो है रहती है. अब एक चीज़, ये चाइनीज प्रोडक्ट है. ठीक है, सो मैं जानती हूँ अक्सर लोग सोचते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो नेगेटिव है, बट मैंने चाइनीज इसको इसलिए नहीं बोला कि इसमें कोई नेगेटिविटी है. ये प्रोडक्ट मैं पिछले 5 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक 199 का मैंने शायद लिया था, 199 से आज तक इसके रेट्स में कुछ खास फर्क नहीं आया है. एंड फॉर दैट वैल्यू, वॉट एवर अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव टेकन आउट फ्रॉम दिस थर्मामीटर, आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी गॉन बियॉन्ड इट्स वर्थ. ठीक है, दूसरी बात, Why I said Chinese है, Chinese है इसलिए mention किया क्योंकि अगर आप candle industry के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं या समझेंगे उसको, तो US is the biggest market for candle industries, raw material, these instruments are mostly used in US market. इसलिए अभी China क्या है, एक ही product बनाता है जो हिंदुस्तान में आता है और कंट्रीज में जाता है और यूएस में भी जाता है, क्योंकि यूएस उसकी एक मेजर मार्केट है. एंड एट द सेम टाइम दे डोंट वांट टू लूज अ मार्केट इन द नियर बाय कंट्रीज, दे आर नॉट मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट. सो क्या कर रहा है इस थर्मामीटर के अंदर, आपके पास ऑप्शंस हैं. अब इस थर्मामीटर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इसकी ऑप्शंस को समझते हैं कि क्या इसमें ऑप्शंस हैं, कैसे इसको आप यूज करेंगे. राइट, सो दिस इज द थर्मामीटर. ये है थर्मामीटर, अगर आप देखेंगे ये इसकी बॉडी है बेसिकली, और ये है इसका ऑन एंड ऑफ बटन. इसके नीचे आप देखेंगे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है.
यहाँ पे एक होल्ड का बटन है और ये है मैक्सिमम मिनिमम। सो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए समझने के लिए, जिसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है। सबसे पहले आपको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको किसी भी चीज़ का टेम्परेचर देखना है, तो आप इसको ऑन करेंगे यहाँ से, और ऑन करते ही ये अराउंड 37 to 38 डिग्री पे आपको स्टार्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ लिखा है सी, सी बोले तो सेल्सियस, और अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे सी और एफ दोनों लिखा हुआ है। तो जब मैंने आपसे कहा कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है, वो इसलिए मेंशन किया कि यही प्रोडक्ट यूएस में जब जाता है तो फारेनहाइट्स में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, क्योंकि यूएस में फारेनहाइट्स में बात करते हैं, या यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो फारेनहाइट इस्तेमाल होता है, राइट। अब हमारे किस काम का ये, बिल्कुल सही बात, 99% आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मगर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में उस पड़ाव पे हैं जहां आप यूएस मार्केट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इस बटन को क्लिक करेंगे और देखिए, क्लिक करते ही इसने ये टेम्परेचर फारेनहाइट्स में चेंज कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ एफ है, तो एक बहुत ही सिंपल सा सवाल किसी स्टूडेंट ने पूछा मुझसे कि मैम ये जो है ये एफ में है दिखा रहा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कन्वर्ट करूं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बटन को दबाइए और ये सेल्सियस और इसी तरीके से फारेनहाइट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो एक और बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान में ख़रीदा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपको डिग्री सेल्सियस में ही टेम्परेचर दिखाएगा। फिर भी अगर कभी आपको लगता है गलती से आपसे बटन दब गया, तो आप इसी बटन को दोबारा दबाएंगे और ये दोबारा से फारेनहाइट या डिग्री जिसमें भी आपको चाहिए आ जाएगा, ठीक है। सो ऑन ऑफ हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, फारेनहाइट्स हो गया। तो इस तरीके से ये दो मेन फीचर्स हैं जो जिसको आप इस्तेमाल रेगुलरली करेंगे। अब यहां अगर आप देखेंगे, यहां लिखा है मैक्सिमम और मिनिमम, सो इसका क्या मतलब है। हालांकि ये आपके खास कोई इस्तेमाल में नहीं आने वाला, मगर फिर भी अगर आप समझना चाहें तो ये देखिए, मैक्सिमम जो इसका टेम्परेचर है वो 115 डिग्री तक जा सकता है, और मिनिमम जो है वो 15 डिग्री तक, ठीक है। तो ये इसलिए है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है मिनिमम, इसी तरीके से अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम दिखाएगा, ठीक है। सो ये जो फीचर है, आपको आइडली इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके काम ज़्यादा नहीं आने वाला। सो ये होल्ड बटन है, होल्ड बटन का बेसिकली पर्पस क्या है, आपको जो भी टेम्परेचर चाहिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। So now if you see this is showing hold, now if I put this even in hot water, तो ये temperature जो है यहीं पर hold हो जाएगा, ये increase नहीं होगा, decrease नहीं होगा। So एक बार देख लेते हैं ज़रा, तो ये गर्म पानी है, और अगर आप देखेंगे कि ये temperature जो है 34 से ऊपर जाएगा ही नहीं, whereas अगर मैं इस hold को हटाती हूँ तो अभी आप देखिएगा टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, ठीक है। सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपने प्रोडक्ट को रखना है तो आप उसको उस टेम्परेचर पे लाकर होल्ड कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू, एंड नाउ यू नो ऑल द फंक्शंस ऑफ दिस क्यूट लिटिल थर्मामीटर। सो आप इसको ईजिली यूज कर सकते हैं अपनी कैंडल मेकिंग एक्टिविटीज में, एंड इफ यू आर इनटू सम अदर बिजनेस एंड यू नीड दिस थर्मामीटर, ऑफ कोर्स नाउ यू नो हाउ यू कैन यूज दिस। सो थर्मामीटर किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है, अगर आप अरोमा कैंडल्स बना रहे हैं डेफिनेटली यू मस्ट इन्वेस्ट इन दिस इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसके बिना अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप तुक्के से अरोमा कैंडल्स बनाएंगे, डजंट वर्क। इफ यू आर जस्ट मेकिंग सिंपल प्लेन पिलर कैंडल्स या सिंपल प्लेन कैंडल्स मेल्ट एंड पोर, यू मे स्किप बाइंग द थर्मामीटर। हाउ एवर इफ यू आर अ प्रोफेशनल, इफ यू आर गोइंग इन टू दिस बिजनेस, आप अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप सिस्टमैटिक वे से काम करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 200-250 रुपये की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो यू मस्ट इन्वेस्ट इस थर्मामीटर को अगर आप बाय करना चाहते हैं, आई एम गोना ड्रॉप द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, सो आप इजिली क्लिक कर बाय कर सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू डिड
प्लीज गिव मी अ थम्स अप. अगर कोई क्वेरी है राइट इट इन कमेंट्स, एंड इफ देयर इज समथिंग पर्टिकुलर यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स, कैंडल इंडस्ट्री, अबाउट द बिजनेस, डू लीव अ कमेंट. Also, if you want to take this journey professionally aage, then you should definitely join Designer Candle Business course so that aap zero se hero tak sab kuch seekh sake about candles. So, Maidil Preet signing off. God bless you. Bye-bye.